नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं जो सापट वाला बेयरिंग रहता है उसमें कितना टाइम बाद रिपेयरिंग या उसमें ग्रीसिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम टू टाइम अगर ग्रीसिंग नहीं कीजिएगा तो क्या आपको नुकसान हो सकता है, उसी के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट टाइम अगर बात की जाए तो आपको ये रिपेयरिंग तभी करना पड़ेगा जब आप सापट का काम करते हैं। अगर सापट का अगर यूज नहीं है, अगर डायरेक्ट आप मोटर या आप पंप से डायरेक्ट अगर मिल या स्पेलर मिल चलाते हैं तो इसको आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये जो आप सापट है जो कि करीब 7 फीट के आसपास है, तो इसमें ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिंग लगा हुआ है, जो कि एक ठो देख सकते हैं यहाँ पर एक ठो बैरिंग है, एक ठो इधर पर है। तो इसमें आपको करीब 5 से 6 महीने में आपको एक टाइम खोल कर इसमें ग्रीसिंग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रीसिंग नहीं कीजिएगा तो ये जो बैरिंग अगर टूटता है तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि 1000 से 1500 रुपये आपको खर्चा बेफजूली में चल जाएगा। वैसे ये बैरिंग जो रहता है वो उतना हाली टूटता नहीं है, फिर भी अगर टूटता है अगर नुकसान होता है तो आपको दिक्कत होगा। ग्रीसिंग एक टाइम अगर कर दीजिएगा, अगर ज़्यादा चलता है तब आपको 3 महीना 4 महीना में आपको जरूरी पड़ेगा, नहीं तो 6 महीना 7 महीना के आसपास आपको एक टाइम अगर ग्रीसिंग कीजिएगा तो आपको चल सकता है। क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं इसे खोलने के लिए आपको 20-21 नंबर रिंच की जरूरत पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं ये रिंच से खुला है, जो कि आप देख सकते हैं इसे आप आसानी से खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप देख सकते हैं ग्रीसी जो ग्रीस रहता है कुछ टाइम पहले से थोड़ा सा अटपटा सा आवाज़ आने लगा था, जिसके कारण मैंने सोचा क्यों नहीं इसके पर भी एक वीडियो बना देते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगा। ये जो आप देख सकते हैं ग्रीस जो है कि जो कि सूख चुका है, तो इसमें अगर आप ग्रीस अगर टाइम टू टाइम अगर नहीं डालिएगा तो ये जो है डैमेज कर देगा बैरिंग। तो आप ग्रीस के चक्कर में आपको अगर डैमेज कर देगा तो भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे इसमें बाहर से भी एक ग्रीस डालने का सुविधा देना चाहिए था कंपनी को, पर नहीं दिया, तो क्या कर सकते हैं, फिर भी आपको टाइम टू टाइम इसमें ग्रीसिंग करना चाहिए, जो कि आपको 6 महीना एवरेज मान लेते हैं, आपको 6 महीना में आपको ग्रीसिंग कर देना चाहिए। जो कि आप देख सकते हैं चलाने पर ये जो ऊपर वाला स्थान रहता है ये जो अस्थायी रहता है, जो नीचे वाला हिस्सा रहता है वही जो ये जो आप देख सकते हैं घूमता है, तो इसको आपको इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो आप देख सकते हैं इधर जो भी बैरिंग ग्रीस था इधर टाइप आ गया है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा और भी ग्रीसिंग करते हैं, इसके बाद आगे हम आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों साइड से इसमें ग्रीस डालना पड़ता है, जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा जल चुका है, क्योंकि चलते चलते कुछ ग्रीस घिस भी जाता है, जिसके कारण क्या होता है ऐसे बाहर की ओर तो ग्रीस नहीं बिकता है, फिर भी क्या होता है कि बहुत सारा ग्रीस है जो कि गलना टाइप होता है। इसके बाद ये जो देख सकते हैं दोनों साइड करने के बाद इसमें कसने का, ये जो आप देख सकते हैं मैंने कस रहा था पर उल्टा की ओर कसा गया, जिसके कारण मुझे दोबारा खोल कर इसे ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं एक साइड बैठ रहा था दूसरा साइड नहीं बैठ रहा था, इसीलिए मुझे दोबारा मेहनत का काम करना पड़ा है। ये जो आप देख सकते हैं एक साइड का मैंने नट खोल लिया है, ये जो आप देख सकते हैं दोनों साइड, ये जो आप देख सकते हैं जो छेदा है उसे एक इस साइड बैठाना पड़ेगा, जिस साइड इसमें दिया हुआ है, क्योंकि जिस साइड छेदा रहा था उसी साइड बैठेगा। अगर उल्टा अगर आप बैठाइएगा तो चाह कर भी नहीं बैठ सकता है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा बैठाने से फिटिंग नहीं बैठ रहा था। वहीं ये जो आप देख सकते हैं दोनों साइड मैंने दोनों साइड एकदम बराबर मात्रा में बैठा, तो ये जो आप देख सकते हैं पूरा फिटिंग बैठ चुका है। तो इसी तरह आपको कसना, आगे हम आपको कस कर दिखाते हैं। ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों एक साइड का करीब कसा हुआ हो चुका है, दूसरा साइड में ये जो आप देख सकते हैं मैंने खोलना स्टार्ट कर चुका है। तो इसी को मैं उसी टाइप का इसमें आपको फुल जानकारी देने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं आपको लाइव मैं आपको खोलकर और इसमें ग्रीसिंग करके दिखाने वाले हैं।
और ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें भी मैंने ग्रीसिंग कर दिया है, उसमें भी आप ग्रीसिंग करके मैंने कस दिया पूरी तरह। साथ में इसमें भी ये जो आप देख सकते हैं, इसमें भी मैंने ग्रीसिंग कर दिया है। इसको अब बैठाने के लिए ये जो आप देख सकते हैं, मैंने उसमें उल्टा बैठा रहा था, इसके बाद पता चला ये जो आप देख सकते हैं छोटा सा छेदा है, छेदा के बगल में ये जो आप देख सकते हैं दोनों साइड बैठाने के लिए जगह हुआ दिया हुआ है। ये जो आप देख सकते हैं छोटा छोटा, ये जो आप देख सकते हैं इधर भी है इधर भी है, जो कि बैठाने के लिए है, जो कि आप उल्टी चाह कर भी इसे आप नहीं बैठा सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं जगह दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं ना आराम से बैठ जाता है। अगर वहीं अगर आप उल्टी बैठाते हैं तो आपको चाह कर भी नहीं बैठ पाएगा। ये जो आप देख सकते हैं मैंने उस साइड वाला में आपने देखा था कि मैंने उल्टी बैठा दिया था, जिसके कारण ये जो आप देख सकते हैं लोहा जो छोटा सा है उसके कारण टच कर रहा था। तो इसे आप इधर से ही बैठेगा, इस उधर चाह कर भी आप नहीं बैठा चाहिएगा, तो इसमें गलती अगर आप चाहिएगा तो भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो आप देख सकते हैं कितना फिटिंग से बैठ चुका है। इसके बाद हम इसको आपको कस के दिखाते हैं वीडियो लाइव में। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, मैंने दोनों बैरिंग को ग्रीसिंग कर चुका है, जो कि 7 फीट का है, जिसके कारण दो ही बैरिंग हो। वहीं अगर 15 फीट का ये जो रहता सापट, तो हमें 3 जगह इसे हब जिसे बैरिंग कहते हैं इसे बैठाना पड़ता। तो इसे अगर आप टाइम टू टाइम 5 से 6 महीने में अगर आप चेंज करते रहिएगा, जो ग्रीस रहता है वो अगर आप रिपेयरिंग करते रहिएगा, ग्रीस डालते रहिएगा, तो आप कभी भी खराब होने की नौबत नहीं आएगा। जो कि आप देख सकते हैं मैंने आपको सामने ही मैंने इसमें ग्रीस वगैरह डाला है। तो इसी तरह का वीडियो हम मेरे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।